Hello everyone, I'm Anuja from Legal Edge, and today I have a group of friends with me who all made it to the second best law school in the country. Hi everyone, this is Nimisha Mishra, a good friend of mine and also the most hardworking girl in our batch, and on top of that, holder of AIR 116 in CLAT 2019. Hello everyone, this is Nirvani Bhavsar. She is very helpful and one of the most hardworking and consistent girl I ever met, and she has scored AIR 84 in CLAT 2019. Hello, this is Harshita Lilani, a very good friend of mine and one of the most positive persons I've ever met. She has scored an AIR of 74 in CLAT 2019. Okay, guys, since you all made it to a great law school, were there any points where you helped each other, or was there a group study plan that you all followed? Yeah. CLAT के just थोड़े दिन पहले ऐसा था कि पूरे साल भर के करंट अफेयर्स रिवाइज करने हैं, तो GK टुडे पे जो क्विजेज होती हैं वो हम लोगों ने अक्सर साथ में बैठ के सॉल्व करी हैं। काफ़ी सारे इवेंट्स हुए थे लीगल एज की तरफ से, तो जैसे उसमें से एक था रेसिडेंशियली प्रोग्राम जिसमें हम तीनों थे, तो उसमें हम तीनों ने एक दूसरे की काफ़ी हेल्प करी थी, जो हम लोग की प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प आई थी। इंग्लिश की बुक आप GK के क्विज या मैथ्स के कोई भी डाउट, हम लोग मतलब जब भी कोई डाउट होता था हम लोग मिलके उसे सॉल्व करते थे। क्या लीगल एज ने सच में ऐसी कोई एज तुम्हें दी, तुम्हें ऐसा लगा कि कुछ यूनिक तुमने करा जिससे प्रिपरेशन अच्छी हुई? ऑल इंडिया मॉक हुआ था एक हमारा, उसके बेसिस पे एक सुपर 30 बैच का सिलेक्शन हुआ था जिसका हम पार्ट थे, और उसमें हमको एक्स्ट्रा चीज़ें बताई जाती थी जो क्लासरूम्स में नहीं, और ज़्यादा जो हमें अपना बेटर करने में हेल्प करे सब्जेक्ट को, तो दैट वाज द एज। पढ़ाई के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ों में हमारी एज आई है, जैसे पर्सनैलिटी, क्योंकि अब हम लोग जाएंगे कॉलेजेस में तो पर्सनैलिटी है जो हम लोग के साथ ज़्यादा रहेगी, तो वो लीगल एज में काफ़ी काफ़ी सारे टेस्ट जैसे इसेंशली मैथ्स के टॉपिक टेस्ट, GK के टेस्ट जो हर मंथ होते थे, तो हमें टेम्प्रेरी टारगेट दे देते थे जो हमें पढ़ने में काफ़ी हेल्प करता था। अच्छा गाइज, देयर इज दिस क्वेश्चन दैट स्टूडेंट्स कीप आस्किंग, मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स, आर देयर एनी कोई ऐसे मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स थे जो तुमने फॉलो करे एवरी सिंगल डे? ऐसे बहुत दिन होंगे जब मैंने पढ़ाई करी भी नहीं होगी, तो मेरे हिसाब से देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स, बट देयर इज एफिशिएंसी। तो तुम जितनी देर पढ़ रहे हो यू हैव टू बी एफिशिएंट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। या दैट्स व्हाट आई टेल देम। मेरे में ऐसे कोई मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स नहीं थे, पर ऐसा था कि एक तीन सब्जेक्ट मिनिमम एक दिन में हो जाने चाहिए, तो मैं ट्राई करती थी कि एक दिन में तीन से चार तक मेरे सब्जेक्ट हो जाए और वो काफ़ी एफिशिएंटली हो। अच्छा, ऐसा कई बार होता होगा कि फ्रेंड्स हो तीनों, तो किसी की रैंक अच्छी आई और किसी की नहीं आई, तो दूसरे की रैंक अच्छी देख करके थोड़ा डीमोटिवेशन होता होगा, ऐसा कुछ हुआ या एक हेल्दी कंपटीशन रहा तीनों के बीच में? हेल्दी कंपटीशन तो होता ही था, लेकिन कभी कभी जैसे अगर कंसिस्टेंटली रैंक अच्छी नहीं आ रही हो तो डीमोटिवेशन भी हो जाता था। तो मुझे एक इंसिडेंट याद है जब करण सर ने मुझे बोला था कि तुम्हारी रैंक अच्छी आ रही है लेकिन उसको और इम्प्रूव होना चाहिए, तो तब उनने बोला था कि एज अ होल अपनी स्ट्रैटेजी मत बनाओ, इंडिविजुअल मॉक्स के लिए स्ट्रैटेजी बनाओ कि इस मॉक में मुझे इतना स्कोर लाना है, तो उससे हेल्प हुई। जैसे कभी कभी रैंक में डिफरेंसेस हो जाते थे तो वो इतना ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं करता था, क्योंकि हम लोग एक दूसरे की हेल्प भी करते थे, तो एक रात पहले ही जैसे मॉक होना है तो सारी स्ट्रैटेजीज बना लेते थे कि कैसे करना है, फिर उस हिसाब से मॉक देते थे तो ठीक जाते थे। मॉक में रैंक कमाना अपने आप में एक मोटिवेशन है कि वो लोग ऐसा क्या अलग कर रहे हैं जो मैं नहीं कर रही हूँ, या मैं क्या लैक कर रही हूँ। निर्वाणी, प्रिपरेशन में बहुत सारी एकेडमिक चीज़ें हैं, बट क्या कोई फन मोमेंट्स भी हैं जो याद करोगे लीगल एज के बारे में, मिस करोगे? काफ़ी सारे एक्चुअली लेक्चर्स पढ़ाई की जगह भी थे, बट वो अपने आप में काफ़ी फन थे। मतलब इंग्लिश में हमने इडियम्स डम शराक्स के थ्रू याद किए हैं, और ऐसे कई सारी न्यू टेक्निक्स हैं जो हमने यूज़ की थी इंग्लिश में, और काफ़ी मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स में, तो लीगल एज मेड लर्निंग मोर फन। और एली फिएस्टा होता है हमारा क्लैट के अगले दिन, जो लीगल एज की पार्टी होती है, तो दैट वुड बी अ मेमोरेबल इवेंट, वो हमेशा याद रहेगा, दैट्स अ फन इवेंट।
एली फेस्टर के अलावा भी जितने भी इवेंट्स होते थे वो काफ़ी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज मतलब फनी तरीके से होते थे, जैसे क्रिसमस हो गया या फिर टीचर्स डे सेलिब्रेशन, स्टूडेंट डे सेलिब्रेशन, तो वो सब काफ़ी इंजॉयबल थे और आई एम गोना मिस देम. आई एम गोना मिस देम टू विथ यू पीपल. वॉट टू डू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वॉट नॉट टू डू. सो क्या ऐसी कोई गलती तुमने करी जो तुम चाहते हो कि दूसरे ना करें? यू वॉन्ट टू टेल देम इन एडवांस? स्टार्टिंग में वोकैबुलरी प्रिपेयर करते वक्त मुझे ऐसा लगता है थोड़ा आउट ऑफ कोर्स चली गई थी मैं. कि कुछ भी रैंडम वर्ड्स पढ़ रहे हैं, एंथुसियास्टिक हो गई थी. हाँ, कि इंग्लिश पढ़नी है तो कुछ भी रैंडम वर्ड हो रहा था. तो वो शायद गलती, अगर पहले पता चल जाए तो नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि क्लैट एक स्पेसिफिक कैटेगरी के वर्ड्स ही पूछता है, तो दैट वुड बी इनफ. जो मेरी प्रिपरेशन थी उसमें मैं जो मॉड्यूल्स दिए जाते थे लीगल एड से वो मेरा पूरा फोकस रहते थे, और उनके अलावा मैं ज़्यादा बुक्स प्रेफर नहीं करती थी क्योंकि वो काफ़ी कंटेंट स्पेसिफिक रहते थे. तो मेरा फोकस रहता था कि मैं उनको ही अच्छे से एग्ज़ाम के पहले एक या दो बार थरोली पूरा कर लूँ. तो मैं यही एडवाइस करूँगी कि अगर लीगल एड ज्वाइन करते हैं तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे मॉड्यूल. पर्सनली जीके मेरा सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट था, तो स्टार्टिंग से जीके में लिखने से ज़्यादा रिविजन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. मतलब आप जो लिख रहे हो वो ठीक है, बट अगर आपने उसे रिवाइज नहीं किया तो वो पूरा वेस्ट है. Guys, two very quick questions. Was it a year of consistent juggling act, or was it a year of constant discipline? मेरे लिए तो it's definitely consistent juggling act. Consistent juggling act. Okay. A mixture of both. A mixture of both. Constant discipline. Constant discipline. So except Nirvani, both of you are good jugglers here. Okay. Another quick question. Binge studying, that is studying for long hours, or consistently disciplined? Again, it would be binge studying. I'm never consistent. You've never been consistent, so binge study. Yeah, so it depends. अगर मेरे पास ज़्यादा time होता था तो फिर मैं उसको divide कर लेती थी subjects को, उसके बाद मैं उस हिसाब से पढ़ती थी. अगर time कम होता था तो फिर मैं एक ही दिन में ज़्यादा लेके बैठती थी और फिर तब पढ़ती. कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आपको मतलब रोज़ पढ़ने ही पड़ते हैं, जैसे इंग्लिश में रीडिंग, जीके, और बाकी सब सब्जेक्ट्स आप वीक वाइज डिवाइड कर सकते हैं कि इतने डेज में मैं ये सब्जेक्ट करूँगी या इतने डेज में मैं ये सब्जेक्ट करूँगी. क्या कोई वर्ड ऑफ कॉशन, वर्ड ऑफ एडवाइस है उन लोगों के लिए जो अब तुम्हारे बाद ही एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे? आई गेस मैथ्स से बहुत लोग डरते हैं, तो उस रिस्पेक्ट में मैं दे सकती हूँ कि मैथ्स को छोड़ना नहीं चाहिए, इट्स नॉट दैट टफ. मेरे लिए इट वॉज नेचुरल, बट इस बार अगर देखा जाए तो जिनकी मैथ्स अच्छी नहीं होगी और उन्होंने अगर मैथ्स क्वेश्चन छोड़ दिए होंगे तो दैट वुड मेक अ बिग डिफरेंस. तो इसलिए मैथ्स करनी चाहिए. मैं एडवाइस देना चाहूँगी कि लीगल रीजनिंग में कुछ लोग होते हैं जो मान के चलते हैं कि कुछ क्वेश्चन आएंगे लीगल नॉलेज के, पर जैसे कि इस बार आया था वो पूरा लीगल रीजनिंग पे बेस्ड था, तो इसलिए टाइम को दोनों टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी चाहिए टाइम सेट करके, तो वो एंड टाइम में हेल्प देते हैं. आई थिंक जीके में जो मुझे मेरे टीचर्स ने एडवाइस दी थी कि जो मेन न्यूज़ है वो तो सब पढ़ रहे हैं, पर आप उससे अलग क्या पढ़ रहे हो या आप उसमें एक्स्ट्रा क्या पढ़ रहे हो वो डिफरेंस क्रिएट करता है. अच्छा, एंड एनी एडवाइस फॉर अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो साथ में शायद तैयारी कर रहे हैं एंड दे वॉन्ट टू रिक्रिएट वॉट यू गाइज डिड? आई गेस कि एक दूसरे को मोटिवेट करते रहना चाहिए, और अगर कोई एक भी ऐसा हो जिसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो या वो प्रिपेयर नहीं कर पा रहा हो अच्छे से, तो ऐसा नहीं हो कि बाकी दो भी उसकी तरह बन जाएं, बट जो वो है तीसरा इंसान वो भी अच्छा होने लगे, ऐसा मोटिवेट करते रहना चाहिए. अब अगर कभी आपस की रैंक्स में कभी भी ऐसा ऊपर नीचे हो तो फिर उसको हेल्दी कॉम्पिटिशन की तरह लेना चाहिए और एक दूसरे को पूरे टाइम सपोर्ट करना चाहिए ताकि प्रिपरेशन अच्छे से हो. माय पीस ऑफ एडवाइस वुड बी टू हेल्प ईच अदर आउट, एंड आपके जो फ्रेंड्स के वीक पॉइंट्स है या जो आपके वीक पॉइंट्स है उस पर आप उनकी हेल्प लें. आई गेस आई होप आर डिस्कशन एक्ट्स आउट एज अ मोटिवेशन फॉर समबडी आउट देयर. थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड डिस्कसिंग योर स्ट्रैटेजी विद अस.